Dear students, we'll see a numerical which is based on the chapter electricity. Here it is a question in front of you. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. अब इस क्वेश्चन में भी देखें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर इनटू टी एप्लीकेबल है. यहाँ पे हमको डायरेक्ट करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर. रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 ओम और टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकंड्स. तो यहाँ पर सिंपल इफ यू नो दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग then you can directly determine the heat. आप directly heat को determine कर सकते हैं. H is equals to आपके पास में I square into RT है. Substitute करेंगे हम values को तो ये होगा आपका 5 square. R आपके पास में है 20. Time आपके पास में है 30 seconds. तो ये हो गया आपका 30 seconds. तो ये हो गया आपका 25 into this is 600. एंड इतना आपका जूल हीट जनरेट हो. कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स. तो एक जूल्स लॉ हीटिंग इज नोन टू अस, हमको पता है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं. इसमें आई आपको दिया है, आर दिया है, टी इज गिवन टू यू. डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है.